तुम क्या कर रहे हैं? और बोलेंगे मौलाना साहब ये क्या बात हुई, ये हमने क्या करना है, हमारा क्या ताल्लुक है इससे, हमें तो गली के नुक्कड़ पे धमाल डालनी है ना, हमें तो यही करना है ना, हम तो बाबे इल्म के मानने वाले हैं, 13 रजब को धमाल डालेंगे और फिर बोलेंगे ये शरी धमाल है। नहीं, शरीयत कहां से आई, तुम्हारे घर से आई है या रसूल खुदा के घर से? कुछ बोलो तो बुरा लगता है। मोहन साहब थोड़ा ख्याल रख लिया करें। किसका ख्याल रखूं मैं इमाम जमाना का ख्याल रखूं या आपका ख्याल? नहीं, आप खुद सोचे ना कि हम क्या कर रहे हैं। भाई देखे, अगर कोई बलोचिस्तान में कल्चरल प्रोग्राम हो रहा हो और वहां पे कोई कल्चरल एक्टिविटी है तो मेरा क्या उससे ताल्लुक है भाई, मैं तो नहीं कह सकता। लेकिन जब आप उस इमाम के नाम पर के जो ये कहता हो या रब्बे ला युम्किनुल फरार मिन हुकूमतिक, ऐ परवरदिगार तेरी हुकूमत से तो फरार ही नहीं है, वो इमाम के रावी कहता है कि मैं खड़ा हुआ अरब के साथ, तो सब कह रहे थे कि हमने फलाने फलाने शख्स को पाया, तो कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा आबिद अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम को पाया। उसने बोला क्या? कहा मैं नगलिस्तान से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि कोई शख्स सजदे में तड़प रहा है और ऐसे जैसे कोई इंसान दर्द की कैफियत में हो। मैं करीब गया तो देखा वो सजदे में तड़पने की वजह से रश खा के बेहोश था। मैंने देखा तो वो मौलाए कायनात थे। मैं दौड़ता हुआ घर गया, मैंने दक्कुल बाहब किया और हजरत सैयदा को बाखबर किया कि उनकी जान निकल गई है, तो अंदर से पैगाम आया ये तो अली की आदतों में से एक आदत है। वो अली जो इबादत करे और दूसरा इमाम कहे कि इबादत की हालत में तीर खींचना, क्योंकि मेरा बाबा इस कदर इबादत में मशगूल होता है उसे अतराफ का ध्यान नहीं होता।